जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी गुजरात की सीरीज ओवर हो चुकी है और इसमें मैंने काफ़ी डेस्टिनेशन कवर करी हैं, अहमदाबाद, वडोदरा, सोमनाथ, सूरत, ऐसी कई डेस्टिनेशन हैं। और अगर पर्टिकुलर लोकेशन की बात करूँ तो उसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी, सोमनाथ का टेम्पल हो गया, एयर फॉरेस्ट, ऐसी कई चीज़ें जो मैंने कवर करी हैं। तो बेसिकली मैंने ये डिसाइड किया था कि सारे दिन के ट्रिप में मैं खास जो डेस्टिनेशन है वही कवर करूँ। अगर आप इन फ्यूचर गुजरात जाते हैं तो अपने हिसाब से अपनी आइटनरी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मकसद था वही मैंने किया। हालांकि स्टार्टिंग में मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ट्रिप आगे बढ़ती रही तो मुझे अपनी रिक्वायरमेंट को पता चला, मुझे लगा कि मुझे क्या क्या कवर करना चाहिए और वैसे ही मैंने किया। अगर मैं आपको अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊँ गुजरात का, तो काफ़ी सुखद रहा ये एक्सपीरियंस मेरे लिए। काफ़ी चीज़ें मेरे को जानने को मिली इस बारे में, और इन फ्यूचर अगर कोई मेरी फॉलोशिप होती तो उनमें मेरे को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब मेरे को एक रफ आइडिया लग गया है और उसको मैं आने वाली ट्रिप में इम्प्लीमेंट करूँगा। पूरी ट्रिप के बजट के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मेरा जो पूरा बजट लगा था 16,628 का लगा, जिसमें करीब 6,292 यानी 6,292 फ्लाइट के चार्जेस थे। एक्चुअल में मेरे ये इतने चार्जेस नहीं थे, इसमें 400 रुपये ऐड हुए। जब मैं वापस आया था गुजरात से तो मैंने स्पाइसजेट की फ़्लाइट करी थी, और जब मैं बैगेज काउंटर में पहुँचा तो मुझे पता चला कि मुझे बैग चेकिंग कराने के लिए 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उन्होंने बोला ये टर्म्स कंडीशन आपको बुकिंग के टाइम पे भी बताई गई हो। तो मैंने जब घर पे जाके वापस चेक किया तो पता चला कि बड़े छोटे अक्षरों में लिखा था जो मैं नहीं पढ़ पाया, और जिस वजह से मुझे 400 रुपये पे करने पड़े। बाकी फ्लाइट में मैंने देखा या जितनी भी मैंने अभी ट्रैवल किया है कभी मेरे को एक्स्ट्रा पैकेज चार्जेस नहीं पे करने पड़े, लेकिन ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। फ्लाइट के बाद अब बात आती है स्टे की। तो मेरा जो स्टे का चार्जेस लगा था करीब 4,500 रुपये लगा था 7 दिन के ट्रिप में। तो इसमें मैंने कुछ हॉस्टल्स भी बुक किए, तो कुछ डॉर्मेट्री, तो कुछ मैं कहूँगा होटल्स भी बुक किए। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हॉस्टल डॉर्मेट्री इतनी फेमस नहीं है गुजरात में, दैट इज़ द रीज़न कुछ टाइम मुझे होटल्स में भी बिताना पड़ा। तो लेकिन आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि टोटली आप डॉर्मेट्री और हॉस्टल्स में डिपेंड नहीं हो सकते अगर आप गुजरात आ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि होटल चार्जेस मुझे करीब 4,500 रुपये पे करने पड़े, तो नियर अबाउट 600-650 रुपये पर डे के हिसाब से मुझे पे करना था। तीसरी बात आती है फूड। तो फूड पे जो मेरा चार्ज लगा करीब 2,000 रुपये लगा था आपके का। आप सोच रहे होंगे कि सर ये ज़्यादा खाता नहीं है, फिर उसका ज़्यादा नहीं लगा, तो ये आपके ऊपर है, आप कितना खाएंगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे नॉर्थ इंडियन डिशेज भी मिल जाएगी, तो अगर आप दिल्ली से या नॉर्थ साइड से कहीं आ रहे हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, नॉर्थ इंडियन के काफ़ी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और वो काफ़ी अच्छे रेट पर, इनफैक्ट मैं कहूँगा दिल्ली से भी कम वहाँ के रेट पर खाने के मामले में। एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब मैं सोमनाथ से व्यू आ रहा था तो बीच में जब हम ऑटो से जा रहे थे तो बीच में हम रुके और एक छोटा सा ढाबा कह सकते हो आप उसे, तो वहाँ पे लोग चाय पी रहे थे। तो देखा कि वहाँ पे जो चाय है वो कप की जगह प्लेट में सर्व होती है, तो दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि ऐसी भी कई जगह है जहाँ पे अभी भी प्लेट में आपको चाय सर्व की जाती है। मेरे पास बैटरी लो थी उस वक्त मेरे कैमरे में, इसलिए मैं उसे शूट नहीं कर पाया, लेकिन वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिससे मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया। बाकी ये करीब 4,000 रुपये मेरे ट्रांसफर में, और अगर पर्टिकुलर लोकेशन पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे टिकट चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, तो ये सब मिला के मेरा 4,000 रुपये एक्स्ट्रा था। तो टोटल जैसे मैंने बताया 16,688 में मेरा ये पूरा पैकेज था 7 दिन का, जो कि मुझे फ्लाइट से जाने के बाद भी काफ़ी सस्ता पड़ गया। एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा आपको, अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं गुजरात तो वहाँ पे आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, लेकिन सीरियसली ट्रेन और फ्लाइट में रेट चार्जेस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ हज़ार एक रुपये एक्स्ट्रा लगा के आप फ्लाइट में जाएंगे तो आपका टाइम सेविंग भी होगा और ऊपर से आपको ज़्यादा दिन मिल जाएंगे वहाँ पे डेस्टिनेशन कवर करने के लिए। एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्या 7 दिन काफ़ी है गुजरात को एक्सप्लोर करने के लिए? तो सीधा साधा इसका जवाब यही है, बिल्कुल नहीं। मेरी ये 7 दिन की ट्रिप थी, बिलीव मी 7 दिन में अगर मैं चाहता तो सिर्फ 2 ही डेस्टिनेशन अच्छे से कवर कर सकता हूँ। गुजरात, जैसे मैं सूरत में लैंड हुआ और सूरत से ज़्यादा वडोदरा जा सकता था, लेकिन जो मेरा डिसाइडेड था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन कवर करनी है, जो फेमस फेमस चीज़ें हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें कवर कर पाया हूँ। और इस पूरे जो ट्रैवल टाइम था गुजरात का, जैसे कि मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था, ये 1185 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो मैंने इन गुजरात कवर किया। और इसके बाद भी मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें थी जो मैंने गुजरात में मुझे अभी और कवर करनी थी, वो मैं नहीं कर पाया। मेरा प्लान था कि अगर कुछ टाइम बचता है तो मैं डेफिनेटली राजकोट, पोरबंदर, द्वारका, ये सारी जगह मैं कवर करूँ, लेकिन 7 दिन में काफ़ी नहीं है, चले तो अच्छा खासा टाइम लेके आपको कोई रात में आना। नेक्स्ट सवाल ये है कि आपको इस ट्रिप में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैं दिल्ली से गुजरात आया, इतना लंबा सफ़र करके मैं आ रहा हूँ, उसके बाद जैसे कि मुझे दिल्ली मेमोरियल जाना था इन द वेरी फर्स्ट डे, तो मुझे पता नहीं था जो खुला होगा या नहीं होगा। जब भी मैं सर्च कर रहा था तो मुझे यही पता चला था मोस्टली चीज़ें मंडे को बंद रहेंगी,
लेकिन वो ट्यूजडे को बंद करना है। ये एक तरह का लर्निंग है आपके लिए कि आप जब कहीं जा रहे हैं तो गूगल पर सर्च कर लीजिए कि एक्चुअली में उस डे पे वो ओपन है या नहीं। दूसरी चीज़, जैसे मैं गिर फॉरेस्ट गया तो मैं एट द मोमेंट मैंने बुकिंग करी तो मुझे बस ट्रांसपोर्ट मिली पूरा वो एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो तो थोड़ा सा ट्रिप था। लेकिन आपके पास अगर पहले से ही ट्रिप प्लान करके वहाँ से जीप बुकिंग करवा लेते हैं उसके चार्जेस हो सके तो शायद मैं आपके साथ शेयर करूँगा आगे जाके, लेकिन वो आप करा तो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि आप जंगल के काफ़ी अंदर जा सकें और ज़्यादा टाइम मिले आपको गिर फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। तीसरी चीज़, आप किसी एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र ले रहे हैं, जैसे कि मैंने लिया था जब मैं वडोदरा से सोमनाथ जा रहा था, वो बस जो मैंने बुक करी थी उसका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा था। तो इसलिए आप इस तरह का ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने वाले हैं तो पहले रिव्यू देख लें गूगल पे, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके बाद आप डिसाइड करें। तो ये पॉइंट है जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। सीरियसली मैं कहूँगा कि गुजरात में आपके लिए इतना कुछ है घूमने के लिए कि आपके जितने भी ट्रैवल टाइम लेके आया हूँ वहाँ पर सब खत्म हो जाना है, लेकिन वहाँ पर डेस्टिनेशन जो है कवर करने के लिए वो ख़त्म नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ों के मैंने आंसर दे दिए इस पूरे ट्रिप के। तो अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, जब भी मैं अवेलेबल हूँगा तो आपको डेफिनेटली आंसर करूँगा। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो अब ख़त्म करता हूँ और अब मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में मिलूँगा जो कि है शिमला की। उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगी मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आपको देता रहूँगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट फॉरगेट टू रिस्पेक्ट अदर एंड योरसेल्फ। बाय।